अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा 31 जुलाई 2020 को कृष्णानगर मथुरा स्थित कार्यालय पर शहीद आजम ऊधम सिंह जी के 80वें बलिदान दिवस पर पंडित विक्रम शर्मा जी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे आहूत हुई इस सभा में सर्वप्रथम पुष्प अर्पित कर शहीद आजम ऊधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष लोकेश कुमार राही ने उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शहीद आजम ऊधम सिंह जी ने भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए निर्दोष स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या के दोषी हत्यारे जनरल डायर को मारने का संकल्प लिया। अंततः लंदन में घर में घुसकर ऊधम सिंह जी ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी और आज के दिन 31 जुलाई 1940 को अपने प्राणों की आहुति देकर वह अपने मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गए। श्रद्धांजलि सभा में लोकेश कुमार राही, कुलदीप कुमार, चित्रसेन मौर्य, विक्रम शर्मा, सरदार जितेंद्र सिंह, दिनेश मिस्त्री, आकाश बाबू, सौदान सिंह आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा के तत्वाधान में भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाले शहीद आजम ऊधम सिंह जी का 80वां परिनिर्वाण दिवस है। शहीद आजम ऊधम सिंह ने बाल्यकाल में ही जलियांवाला कांड के दोषी, जिसमें अमृतसर के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड जनरल ओडायर ने कराया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, इसका बदला लेने के लिए बाल्यकाल से ही उनके सीने में जो प्रतिशोध की भावना धधक रही थी, उन्होंने हालांकि ऊधम सिंह जिस जाति से भारत में ताल्लुकात रखते थे वो जाति सदियों से ही अपने ही लोगों के द्वारा सताई गई थी, लेकिन इस दमन और सताए जाने के बावजूद उन्होंने भारत के दुश्मन को अपना निजी दुश्मन समझा और भारत माता की जंजीर आज गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए 31 जुलाई 1940 को लंदन में जाकर के जनरल ओडायर को उसके घर में घुस करके गोली मार करके मातृभूमि को आजाद कराने के लिए उन्होंने बदला लिया।